इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी। धार्मिक नगरी उज्जैन को एक बार फिर बड़ी सौगात के रूप में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मिलने जा रहा है, जहां शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित दताना मताना हवाई पट्टी पर इस स्कूल की शुरुआत होने जा रही है। ट्रेनिंग स्कूल लगभग इस साल के अंत तक शुरू होगा, लेकिन प्राथमिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रेनिंग स्कूल को रिनोवेशन करने का काम तेजी से चल रहा है। पूर्व में यहाँ यश एयरवेज द्वारा ट्रेनिंग स्कूल संचालित किया जाता था, जहाँ कई लोग ट्रेनिंग लेकर गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यश ट्रेनिंग स्कूल बंद हो गया। वहीं अब एक बार फिर उज्जैन में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल नालंदा ग्रुप द्वारा शुरू किया जा रहा है। उज्जैन में शुरू होने वाले फ्लाइंग सेंटर पर अभी 7 जहाज मंगवाए गए हैं, जिसमें से 2 जहाज पहुँच चुके हैं। देखिए, एयर स्ट्रिप का जो अनुबंध है वो भोपाल स्तर से हुआ है और मुझे भी ये सूचना मिली है कि उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिए 2 विमान जो है लाए गए हैं, और ये अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उज्जैन में इस प्रकार की गतिविधियों को और बढ़ावा देना चाहिए, और वो अच्छी फैसिलिटी है। अगर विकसित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, तो निश्चित रूप से रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे और दूसरे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा। विगत वर्षों में जो फ्लाइंग क्लब पहले चल रहा था, किसी किन्हीं कारणों के वश वो चल नहीं पाया और बंद हो गया, और इस महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बार फिर से उन्नत नालंदा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमने प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है, जो कि केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सारे बच्चों के लिए एक उच्च श्रेणी का फ्लाइंग की प्रशिक्षण हम दे पाएंगे। और ये सारे बच्चे यहाँ से पायलट का कोर्स करके निकलेंगे, और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी ये नाम कमा सकते हैं बच्चे। और इनके बच्चों का जो ये ट्रेनिंग होगा वो बहुत ही कम खर्चे का हम कोशिश करेंगे, जिससे कि गरीब तबके के बच्चे भी इसमें प्रशिक्षण पा सकें और अपना स्तर ऊंचे से ऊंचा बना सकें। वहीं अब जल्द सभी जहाज पहुंचने के बाद एडमिशन प्रक्रिया और ट्रेनिंग शुरू होगी। उज्जैन के इस प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धन परिवार से आने वाले ऐसे बच्चों को अवसर दिया जाएगा जो पायलट बनने की इच्छा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।